प्रभारी मंत्री के काफिले को दिखाए काले झंडे, लगाए नारे वापस जाओ वापस जाओ। पाली में पानी के संकट का स्थायी हल नहीं निकलने और जल संकट को लेकर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार भाजपा के प्रदर्शन किया गया और प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस और भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। दोपहर में मंत्री का इंतजार पदाधिकारी और कार्यकर्ता करते रहे। जैसे ही मंत्री का काफिला आया तो उन्होंने काले झंडे दिखाए। इस दौरान उन्होंने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और प्रभारी मंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। पार्षद ने आरोप लगाया कि पाली की जनता प्यासी है और दोनों पार्टियों के बड़े नेता और अधिकारी एसी की हवा खा रहे हैं। शहर में पानी का स्थायी समाधान करने के प्रति कोई गंभीर नहीं है। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे रखी। नवभारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। आज की ये प्रेस वार्ता जो हमने 20 सूत्री कार्यक्रम सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है उनके लिए आज यहाँ पे रखी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा पिछले 3.5 वर्षों के अंदर जो स्कीमें आई, जो योजनाएं आई, जिनका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिला है। आज अगर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँ तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, जो कि पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसी स्कीम नहीं है, अशोक गहलोत जी पिछली बार सबसे पहले निःशुल्क दवा योजना लेके आए, निःशुल्क जांच लेके आए और जांचों की संख्या भी लगभग 900 से अधिक पहुँच गई थी। और उसके बाद निरोगी राजस्थान का सपना गहलोत साहब ने देखा और उस निरोगी राजस्थान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेके आए, जिसमें पहले 5 लाख का कवर था लेकिन अब की बार 5 लाख से बढ़ाकर इसको 10 लाख किया गया है। पैकेज भी इसके बढ़ाए गए हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल इसके मेंबर बने हैं, इसके साथ जुड़े हैं और 5 लाख रुपए का दुर्घटना क्लेम इसके अंदर दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिरंजीवी बीमा योजना से महिलाएं मुखिया जो जुड़ेंगी उनको लगभग 1.2 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन पे दिए जाएंगे और उसके अंदर 3 साल का रिचार्ज भी करा के दिया जाएगा, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी उनको मोबाइल पे ही उपलब्ध हो सके। साथ के साथ किसान मित्र योजना जो हमारी है, 1,000 रुपये महीने के और 12,000 रुपये मैक्सिमम साल के हम जो किसान बिजली के कनेक्शन जिनके हैं उनके खाते में हम डाल रहे हैं। बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। मेरे खुद के विभाग की 6 स्कीमें इसके अन्दर है, पेंशन की है, कन्यादान की है, सिल्कोसिस की है। तो सिल्कोसिस के लिए कहना चाहूँगा सिल्कोसिस नीति गहलोत साहब ने बनाई है पहली बार। अभी हमने इसका पोर्टल भी शुरू कर दिया है। जो बीजेपी के राज में 3-3 साल जो लोग चक्कर काटते थे, आज उनको उस परेशानी से मुक्ति मिल गई है। अब सारा डिजिटल और ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। जैसे पेशेंट जाएगा उसका एक्सरे खींचेगा, एक्सरे खींचते ही उन्होंने पुरानी छोड़ी है। साथ के साथ अभी बच्चियों को स्कूटी हम बांट रहे हैं। हमने पेंशन के अंदर पूरे प्रदेश में जो पेंशन की राशि हम देते हैं उसमें लगभग 9200 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें से 8800 करोड़ लगभग 96% राजस्थान सरकार वहन करती है, मात्र 4-5% राशि भारत सरकार के इसके अंदर बैठ कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि पिछले 6 महीने के अंदर हमने 8 लाख नए पेंशनधारी जोड़े हैं, पेंशन बांधी है हमने। और पेंशन के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई जांच, कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं हमने रखा है, सीधा जनाधार कार्ड से उसको लिंक कर दिया है। अब जो भी पोर्टल पर जाएगा पेंशन अप्लाई करेगा उसको पेंशन बन जाएगी, उसको किसी के साइन कराने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हमारी काफ़ी योजनाएं हैं।
लगभग 20 स्कीमें इसके अंदर है जिनका आज रिव्यू यहाँ पे किया गया है। कईयों के अंदर पानी एक नंबर पे भी है, किसी में 10 नंबर पे भी है, किसी में 15 नंबर पे भी है। हमने प्रयास किए हैं, निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में हमारी रैंकिंग सुधरे और जो फ्लैगशिप योजनाएँ हैं उनका लाभ आम जन तक पहुँचे। विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो रिप्स MSME और कृषि उपज मंडी के तहत जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे प्रदेश का व्यक्ति, प्रदेश का किसान सरकारी योजनाओं का 50% तक सब्सिडी और 8-9% तक की ब्याज की सब्सिडी प्राप्त करते हुए सभी प्रकार के चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस, टैक्सेस से मुक्ति लेते हुए टैक्स सब्सिडी, बिजली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी वो व्यक्ति, वो किसान ले सकता है। उसका भी प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो। हमारी इंदिरा रसोई योजना चल रही है जिसमें मात्र 8 रुपये में हम लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं अच्छी इच्छाओं वाली जगह पे। उसके अंदर भी अभी हमने संख्या और बढ़ाई है और यहाँ पाली के अंदर जहाँ अच्छी लोकेशन है, जहाँ लोगों को ज़्यादा आवागमन रहता है, वहाँ पर भी हम इंदिरा रसोई और नहीं अभी खोल रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन के अंदर भी अभी हम इंदिरा रसोई खोलेंगे। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी हमारी यहाँ पे चल रही है जिसमें पाली तीसरे नंबर पे है। कोई भी व्यक्ति शहर